हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं कि एक दिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूटकर उनके सर पे आ लगा। तभी उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया। और अगर चीजों को नीचे धरती पर ही गिरना होता है तो चांद भी तो ऊपर दिखाई देता है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता। तब न्यूटन ने सोचा कि जरूर धरती में कोई फोर्स है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यहां से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया। अब इस कहानी के बारे में बहुत सी राय हैं। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि यह सिर्फ बाद में बनाई गई एक कहानी है और एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने इस कहानी को पॉपुलर किया है। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि यह कहानी सच है, लेकिन सेब न्यूटन के सर पे नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। कहा यह भी जाता है कि वो सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे बल्कि अपने घर की विंडो से सेब के पेड़ को देख रहे थे, और तब गिरते सेब को देखकर उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आया। अब ऐसे भी एविडेंसेस मौजूद हैं जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि न्यूटन ने इस सारी घटना को अपने ही समय के एक वैज्ञानिक और लेखक विलियम स्टूकली को बताया था। विलियम स्टूकली उन सबसे पहले लेखकों में से एक हैं जिन्होंने न्यूटन की लाइफ के बारे में लिखा है। जो बुक स्टूकली ने लिखी थी उसका नाम है मेमोर्स ऑफ सर आइजक न्यूटन्स लाइफ। इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के पास सुरक्षित रखी है, लेकिन रॉयल सोसाइटी की लाइब्रेरी के चीफ का कहना है कि सेब गिरने की कहानी महज एक कहानी ही लगती है जिसे न्यूटन ने बाद में आम लोगों को समझाने के लिए बनाया था। एप्पल कंपनी का जो सबसे पहला लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर थी। इस लोगो में न्यूटन के उसी पल को दिखाया गया था जिस पल में वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर पे आ गिरता है और उन्हें ग्रेविटी का आइडिया आता है। 1665 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त न्यूटन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उसके सभी क्लासमेट्स को प्लेग से बचने के लिए उनके घर रवाना कर दिया गया। यही टाइम न्यूटन की लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव पीरियड साबित हुआ। यही वो टाइम था जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया और वो चीज हमें दी जिसे आज न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। न्यूटन ने कई सालों तक अपनी डिस्कवरीज को दुनिया से छिपाए रखा। कई सालों तक उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि लोग उनकी की गई खोजों को सही नहीं मानेंगे। एक साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो बड़े धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ग्रेविटी हमें ग्रहों की गति के बारे में बताती है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर सभी चीजों को नियंत्रित करता है और जानता है कि क्या है और क्या किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद और ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद भी न्यूटन भूत आत्मा और शैतान आदि पर विश्वास नहीं करते थे। न्यूटन का बाइबल को लेकर बहुत जुनून था। बाइबल को बड़ी गहराई से पढ़ते थे, यहां तक कि साइंस से ज्यादा उन्होंने धर्म और इतिहास के बारे में लिखा है। बाइबल पढ़ने की वजह से ही उन्हें कुछ चीजों को प्रेडिक्ट भी किया। न्यूटन ने अनुमान लगाया था कि जीसस को सूली एग्जैक्टली 3 अप्रैल 33 AD को दी गई थी। न्यूटन के अनुमान के मुताबिक यह दुनिया 2060 से पहले खत्म नहीं होगी। कहा जाता है कि न्यूटन ने यह पहले ही बता दिया था कि यहूदी इसराइल को फिर से हासिल करेंगे, और उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। बाइबल को लेकर उनका जुनून इतना ज्यादा था कि वो जस्ट इसलिए हिब्रू भाषा को सीखने चले गए कि उन्हें बाइबल में छिपे गूढ़ अर्थों को समझना था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस न्यूटन को हम आज एक महान साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं, उसी न्यूटन ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम साइंस पर काम करने की बजाय धर्म के गूढ़ अर्थों को जानने में लगा दिया। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, सेम उसी साल सर आइजक न्यूटन का जन्म हुआ था। जब न्यूटन का जन्म हुआ तब वो नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वजन बहुत कम था। वे समय से पहले पैदा हुए थे। उनकी मां ने बताया था कि उनका आकार इतना कम था कि वे एक छोटे मग में समा सकते थे, इसलिए इनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। आइजक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजक न्यूटन ही था। न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी।
न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की। न्यूटन की मां चाहती थी कि वे फार्मर बने। उनका जन्म भी एक फार्मर फैमिली में हुआ था, लेकिन न्यूटन को फार्मिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। न्यूटन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था, उस ट्री का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि जो ओरिजिनल ट्री था वो 1815 से 1820 के बीच नष्ट हो गया था। इस एप्पल ट्री का साइंस के इतिहास में बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी ट्री से एप्पल को गिरता देखकर न्यूटन ने ग्रेविटी को खोजा था। इसी ट्री की लकड़ी का टुकड़ा सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भी भेजा जा चुका है, ताकि न्यूटन ने आज हमें और साइंस को जो दिया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया जा सके और उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके। आज अगर न्यूटन जिंदा होते तो ये देखकर खुशी से मर जाते। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। सर आइजैक न्यूटन की ये बातें अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।